अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। एक सिख भाई उधर से पारंपा जी, इनका नाम है, तो उन्होंने कहा था यार मैं इधर रहता होता था शाहकोट में, बचपन में रहते थे हम। तो उन्होंने कनाडा से कमेंट किया कि यार प्लीज़ आप उधर मुझे वो शाहकोट की एक पहाड़ी है उधर की सैर करवाएं यार, उधर का व्लॉग एक अपलोड ज़रूर करें। तो मैंने सोचा कि यार चलो उनकी भी फरमाइश है, तो आज मैंने फिर टाइम निकाला और हम आ गए इधर शाहकोट। तो गाड़ी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा सा मेहमान आए हुए थे, शोर काफ़ी था, मैंने बाहर आकर वीडियो बनाई है। तो इधर ये पीछे अभी मेरे सड़क है, तो अभी इधर से शाहकोट तकरीबन 2-3 किलोमीटर है दूर। तो अभी हम उधर जाएंगे इंशाल्लाह, तो उधर पहाड़ी पर जाऊंगा। तो आपको आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना इसको, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और शाहकोट के लोगों के लिए, वो भी काफ़ी उधर से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगी। तो चलते हैं फिर शाहकोट की तरफ। यार तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, ये उधर देखें आप पहाड़ी के इधर से थोड़ी अभी दूर है, तो काफ़ी मतलब कि ना जो ऊपर चल कर जाना पड़ता है पैदल, तो इसलिए काफ़ी मसला इसका बनता है यार, चल चल कर फिर फॉर्म वगैरह थक जाते हैं। तो बात करते हैं अब आपसे पहाड़ी पर जाकर ही। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं पहाड़ी पर हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। इधर ये देखें, इधर तो ये इधर पीछे झील है, ये एक करिश्मा है उनका, बाबा जी का चश्मा इधर से निकला है, बहुत साफ़ सुथरा पानी है और इसमें काफ़ी मछलियाँ वगैरह भी होती हैं, ये आप देखें इधर। और लोग इधर से मछलियाँ काफ़ी पकड़ते हैं, मैं भी जब तकरीबन 5 साल पहले आया था अपने अबू के साथ, तो मैं भी इधर से पकड़ कर लेकर गया था मछलियाँ। तो काफ़ी इधर माशाल्लाह बहुत ही, ये गहरा भी बहुत है, तो इधर अगर कोई बंदा गिर जाए तो फिर उसके मछली के चांस बहुत कम। ये सारा पीछे इधर शाहकोट का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू इधर से नज़र आ रहा है और देखने के काबिल नज़ारा है, बहुत ही पुरसकून है। और आज माहौल भी काफ़ी अच्छा है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है, हवाएं चल रही हैं, ये देखें आप झंडे हवाओं से हिल रहे हैं और पीछे काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। वो पीछे उधर है जवाईलैंड, तो उधर फैमिली के साथ ही जाने देते हैं, वरना हमने उधर भी जाना था तो ज़्यादातर फैमिली के साथ ही उधर जाने का मौका मिलता है, वैसे बंदा नहीं जा सकता। ये इधर से काफ़ी ऊंची है पहाड़ी, इसको काट काट कर अभी काफ़ी छोटा कर दिया गया है, पहले इससे भी ज़्यादा बड़ी होती थी। समीर भाई हैं यहाँ, एक बाबा जी बैठे हुए हैं, उनसे बाबा जी की तरफ कुछ पूछते हैं। बहु शेर पंजे वाली जगह है, बाबा जी ने बरेस गिरन दौर अंदर शेर बकरी नू एक प्याले अंदर पानी पिला के लोगों नू मुसलमान किया, कह गए शेर दे पंजे दे निशान।
हवा बकरी दियाँ गोडियाँ निशान, हाँ बकरी दे बच्चियाँ दे गोडियाँ निशान, हाँ प्याला वा पाक सैयद बाबा जी 9,00,000 रहमतुल्ला अलैह दी पौ मुबारक दी एड़ी दा निशान, आपने बरेसगीर दौर दे वक्त अपने पौ मुबारक दी एड़ी पत्थर ते लगाई सी, अल्लाह दे हुक्म नाल पत्थर मोम होया तां बाबा जी ने प्याला बना के अल्लाह रब्बुल इज्जत अगे दुआ फरमाई। रब्बे काबा ने इस्लाम कुरान की फतह और बका वास्ते वलीउल्लाह दी दुआ नूं अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाया सी। तब बेटा सता जमीन के नीचे छिपे पानी अल्लाह ने हे पहाड़ की चोटी पर चश्मा जारी किया। उस दौर के अंदर बाबा जी ने शेर ते बकरी नू एक प्याले अंदर इकट्ठिया पानी पिला दिता सी। बाबा जी की यह करामात देख के 1,25,000 काफर किराड़ी लोग जो कलमा पढ़ के मुसलमान होए, आपने सांदलबार अंदर इस्लाम और कुरान नू बुलंद किया। कुफर की शिकस्त हुई, बुजुर्ग फरमाते आपकी करामात नू 580 साल हो चलिया। 1440 ईस्वी च आपने ये करामात दिखाई, ये अज भी जारी सारी है। जब तक दुनिया रहेगी वली अल्लाह के निशान ते करामात बाकी रहेंगे। बिस्मिल्लाह। कौन दागिया जंगल दा नक्शा वा? ठीक, केड़ा ही आ जेड़ा? ए नक्शा वा जंगल दा। ठीक। ए बब्बर शेर दा नक्शा। ठीक। आपने बब्बर शेर ते सवारी फरमाई सी। ठीक। आपका नाम इसमे मुबारक सैयद मुराद अली शाह बुखारी। ठीक। ए वो दरिया दा नक्शा वा। आपने इस दरिया च खड़िया होके 9,00,000 बारी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत फरमाई। तब आपने लगा बासर कीता हजरत अबुल खैर 9,00,000 रहमतुल्लाह अलैह शाह कोटवाल माशाल्लाह ते दुआ कीती जांदी बरा भाई जो जायज नेक दुआ लायक लोग आंदे ने अल्लाह इस्लाम कुरान दे सदके बाबा जी दे वसीले जायज दुआ अपनी बारगाह च कबूल कर। आप भी दुआ करो अल्लाह आप दौना भी कबूल फरमावे, पंज वक्त दा नमाजी बनावे, बाकायदा फरमाबरदार बनावे। आमीन। पंजे दे निशान आ, हां बकरी दीयां गोड़ियां दे निशान आ, हाँ बकरी के बच्चों दिन गोड़ियों के निशान, हाँ प्याला बाबा जी 9,00,000 बाबा जी ने प्याला बना के इकट्ठिया पानी पिलाया। बाबा जी की करामत देख के ये पहाड़ी से इधर वाली साइड है तो इधर है कब्रस्तान है शाहकोट का। ठीक है, तो उधर मस्जिद भी एक बनी हुई है। ये इधर से पहाड़ी के नीचे वाली साइड है, ये आप देख सकते हैं। इधर ऊपर से हम नीचे आ गए हैं, ये देखें तो ये पहाड़ी के नीचे वाली साइड है। इधर से पहाड़ी काफ़ी काट दी हुई है, तो काट काट कर उधर जो सांगले वाली सड़क बनी थी उधर भी उन्होंने पत्थर डाला था उस वक़्त। और धमाका करते हैं शायद, पता नहीं किस चीज़ से तोड़ते हैं, तो जब करते हैं वो धमाका सा तो एक दफ़ा सारा पास वाले इलाके भी एक दफ़ा हिल जाते हैं जी। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहाड़ी का विज़िट भी करवा दिया है सारा, आगे से उधर से भी पीछे से भी। और ये इधर लोग रहते हैं तो अभी अभी ये भी जगह आबाद हो रही है साथ साथ। और इधर वाली साइड पर इसके क्रिकेट का बहुत ही प्यारा वो उधर फुटबॉल भी खेलते हैं, स्टेडियम बना हुआ है माशाल्लाह। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको उधर का विज़िट भी करवाऊंगा। अभी घर को मतलब कि इधर से वापसी हो रही है तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं। तो अभी रास्ते में थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी करेंगे क्योंकि जितने पहाड़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे टांगे दर्द हो रही ते क्या कहते हैं से भूख भी लग जाती है। फिर ये है इधर जवाई लैंड। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कभी इसका टूर जरूर करूँगा। ये इधर पार्किंग एरिया है जिधर बाइक खड़ी की है, तो 20 रुपये इधर देने हैं तो फिर गाड़ी लेनी है इधर से। ठीक है, पहाड़ी से उधर से होकर हम शाहकोट शहर में इधर आ चुके हैं। वो पहाड़ी है बाहर बाहर इलाके में। तो अभी आपको पता है कि कुछ खाने पीने का हमने बनाया प्रोग्राम, तो अभी हमने जाना है किधर वाला, क्या नाम था, फास्ट फूड वाले, तो उधर काफ़ी उनके शवाजमी और बर्गर वगैरह मशहूर है, तो अभी हम जा रहे हैं उधर। अल्हम्दुलिल्लाह गोसिया फास्ट फूड है नाम, तो इधर हम पहुंच चुके हैं। अभी अंदर जाकर टेस्ट भी चेक करते हैं और बर्गर और शावरमा वगैरह चेक करते हैं कैसे बनाते हैं। आ रही
अनबिलीवेबल, कमाल कर दिया यार, बहुत मज़ेदार है। आज तो मज़ा आ गया, पहले भी बार कई बार शवारमा खाया लेकिन आज बहुत कमाल का बना यार। हम घर वापस जा रहे थे तो अली को फ़ोन आया घर से कि उसने शायद कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है, और मैंने ये पाउच लेना था अपने फ़ोन के लिए, वो ख़राब हो गया है तो अभी मिल गया और वो अली मेडिसिन ले रहा है। वो देखें अली उधर मेडिसिन खरीद रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ आई